नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज सबसे बड़ी खुशखबरी है जिसको आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी खुशखबरी और वो भी इतनी जल्दी आपके पास आ जाएगी। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और जो वीडियो को देखने से पहले जय फ्यूचर मेकर और जय राधे श्याम लिखना ना भूलें। दोस्तों, अब बात करते हैं जिसकी कि किसने क्या आज अच्छी खबर दी है उसके बारे में। दोस्तों, आज ये न्यूज़ दी है दैनिक जागरण, सिरसा की वेबसाइट है दैनिक जागरण अखबार की, उसके न्यूज़पेपर में आज सबसे बड़ी खबर दी है, क्योंकि जो श्री राधे श्याम जी है उनकी SIT जांच में सिरसा पुलिस ने उनको हिरासत में ले रखा और वहाँ उनकी जाँच चल रही है। उन्होंने सबसे बड़ी खबर दी है। दोस्तों, सिरसा पुलिस ने फाइनल कर दिया है, जो चिटफंड कंपनी का नाम दिया जा रहा था वो बंद हो गया। अब चिटफंड कंपनी का नाम ना देकर उसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का नाम दे दिया गया, क्योंकि सिरसा पुलिस की SIT ने वो पूरी टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के बाद ये डिसीजन लिया है कि कंपनी चिटफंड नहीं है, कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है। तो दोस्तों, जो एलिगेशन लग रहा था सबसे बड़ा कि चिटफंड कंपनी, वो अब एलिगेशन लगभग समाप्त हो जाएगा, एक या दो दिन में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पुलिस ने जो न्यूज़ दी है वो लगभग 100% जांच करने के बाद ही दिए। उन्होंने चिटफंड कंपनी के रूल पढ़ने के बाद ये डिसीजन दिया है कि कंपनी चिटफंड नहीं है, कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अब दोस्तों, नज़र डालते हैं पूरी न्यूज़ पे कि क्या क्या उन्होंने SIT की तरफ से पुलिस ने अखबार को या न्यूज़पेपर वालों को बताया है। ये देखो दोस्तों, न्यूज़ है जागरण संवाददाता सिरसा, फ्यूचर मेकर मामले की जाँच कर रही सिरसा पुलिस फ्यूचर मेकर को चिट फंड के दायरे में नहीं मान रही। तो दोस्तों, ये पुलिस की वर्डिंग है खुद की कि चिट फंड के दायरे में नहीं मान रही। पुलिस के आला अधिकारी चिट फंड के नियम अलग बता रहे हैं। दोस्तों, SIT है वो जांच कर रही है और उसने चिट फंड के नियमों को पढ़ा और उसने बताया कि ये चिट फंड कंपनी नहीं है, जिसके चलते अब फ्यूचर मेकर को चिट फंड से छुटकारा मिल सकता है। हालांकि उसके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले की जाँच पुरोवी की भांति जारी रहेगी और इस संबंध में बैंकों से भी रिकॉर्ड मांग लिया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार फ्यूचर मेकर मामले में चिटफंड कंपनी के बने नियमों की जांच की गई, कंपनी के अधिकारियों से भी इसके नियम पूछे गए, दोनों का मिलान किया जा रहा है। तो दोस्तों, जो कंपनी के अधिकारी है श्री राधे श्याम जी और श्री सुंदर सैनी जी, उनके द्वारा जितने भी रूल थे कंपनी के वो पूछे गए, तथा जो चिटफंड के रूल होते हैं उसकी जांच की गई और इसके बाद ही डिसाइड हुआ कि कंपनी चिटफंड नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया है कि धोखाधड़ी का मामला है वो अभी तक चलता रहेगा। दोस्तों, धोखाधड़ी का मामला जो लोगों ने शिकायत की है उसकी बात की जा रही है, जो लोगों ने शिकायत कर रखी है उनकी जाँच चलती रहेगी। उसके बाद बताया दोस्तों, आरंभिक जांच में यह चिटफंड का मामला नहीं है, चिटफंड कंपनियों के लिए जो नियम निर्धारित है कंपनी इन नियमों पर नहीं है और न ही उन पर रजिस्ट्रेशन है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर है उसकी वेबसाइट पे जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी कंपनी चिटफंड के नियमों के अनुसार नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आरंभिक जांच में यह धोखाधड़ी का मामला है और उसी एंगल से जांच की जानी जरूरी है। अधिकारी का मानना है कि MBA के पैटर्न की कंपनी है, इसलिए एक एक नियम का अध्ययन कर जांच आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, MBA जो अमेरिकन कंपनी है वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और जो पुलिस SIT जाँच कर रही है वो उन्हीं नियमों को आधार बनाते हुए उसकी जाँच कर रही है। उधर दोस्तों, फतेहाबाद से ट्रांसफ़र होकर आए फ्यूचर मेकर मामले में जांच कर रही सिरसा पुलिस के सामने 35 शिकायतें आईं, जिन पर कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायतें हैं। उन सब की जांच होगी और शिकायतकर्ताओं को जल्द ही बुलाकर उनसे साक्ष्य हासिल किए जाएंगे और फिर दोनों पक्षों में पूछताछ होगी। इस पूछताछ में पुलिस यह जानने का प्रयास करेगी कि कंपनी ने जो वादा किया था उसके अनुरूप उपभोक्ता को भुगतान किया गया या नहीं, कंपनी ने किस स्तर पर ठगी की है, सभी रिपोर्टों का मिलान कर उसे मुकदमे में शामिल करेगी। अधिकारी के अनुसार अलग अलग केस दर्ज कराने की बजाय
सभी शिकायतों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो धोखाधड़ी का मामला है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो धोखाधड़ी का मामला है उसकी जांच की जा रही है। चिटफंड कंपनी से कंपनी अलग हो चुकी है। इसके बाद है दोस्तों फ्यूचर मेकर कंपनी के गिरफ्तार CMD राधे श्याम वेब प्रमोटर सुंदर सैनी से हुई पूछताछ के आधार पर कंपनी के खातों की जानकारी जुटाई गई। SIT के इंचार्ज निरीक्षक दल्ले राम ने 5 बैंकों को नोटिस दिए जिसमें कंपनी के बैंक खातों व वित्तीय लेन देन का विवरण मांगा गया है। बैंकों से 2 दिन के में विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। हालांकि जिन खातों की जानकारी मांगी गई है वे सब पहले से ही सील है। SIT की एक टीम दोनों आरोपियों को लेकर गुरुग्राम गई हुई है। वहां कंपनी के दफ्तर मीटिंग करने के साधनों की निशानदेही करवाई जा रही है। दोनों आरोपितों को बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस मामले की बड़ी संजीदगी से जांच की कर रहे हैं, एक एक पहलू पर कानूनी राय ले रहे हैं। चिटफंड कंपनी के नियमों का अध्ययन किया गया है। आरंभिक जांच में तो फ्यूचर मेकर चिटफंड कंपनी नहीं कह सकती, इस संबंध में विस्तृत रूप में राय ले रहे हैं हमीद अख्तर पुलिस अधीक्षक। तो दोस्तों जो है चिटफंड कंपनी के नियमों को पढ़ा जा रहा है और राय ली जा रही है कि या ये चिटफंड कंपनी है नहीं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए, चिटफंड कंपनी का नाम हटना समझो केस में लगभग 99% हम जीत रहे हैं, क्योंकि चिटफंड कंपनी का जो नाम दे दिया जाता है उस पर फिर कंपनी उभरने का बहुत ही कम चांस होती है। लेकिन अब चिटफंड कंपनी का जो नाम चला गया और इसके साथ खुशी की लहर फ्यूचर मेकर कंपनी में आ चुकी है और बृहस्पतिवार को हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि CM